हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों के अपने चैनल जहाँ दिमाग लगाओ टेक्नोलॉजी पर दिमागोलॉजी में। आज की वीडियो उन लोगों के लिए, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि मैं ब्लॉगर सीरीज चालू कर रहा हूँ, तो ब्लॉगर्स के लिए ये वीडियो है। तो अगर आप लोगों ने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, कमेंट में भी मैंने पिन कर रखी है, और अगर पॉसिबल हो तो मैं अपने आई बटन पर भी दे दूंगा वो लिंक उस वीडियो की, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। मैंने दो वीडियो डाल दिया, हाउ टू ऐड ईमेल इंटरफेस और एक और डाली है, मैं आप जाके चेक कर सकते हैं। बड़े आसानी से आप लोगों को मिल जाएगी गूगल इमेजेस कैसे डाउनलोड करें। काफी हेल्पफुल ये सीरीज होने जा रही है आप लोगों के लिए जो ब्लॉगर्स बनना चाहते हैं। तो आज की वीडियो, अपने ब्लॉग को रैंक कैसे करवाया, मेटा टैग डिस्क्रिप्शंस, मेटा टैग्स, कीवर्ड्स कैसे लगाया, तो उसके ऊपर आज ही वीडियो होने वाली है। जैसे आप लोगों ने टाइटल थंबनेल में देखा होगा, तो मैं आप लोगों का दोस्त और इस चैनल का होस्ट क्रिस सेठी आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने आपके अपने चैनल दिमागोलॉजी और दिमाग लगाओ टेक्नोलॉजी पाओ में। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को एंड तक देखें, ताकि आप लोग को एक एक चीज समझ आ जाए अच्छे से कैसे क्या क्या करनी है। मैंने थोड़े दिनों बाद वीडियो डाली है इसलिए थोड़ा लेट हो गया, ताकि मैं आप लोगों को एक साथ सारी वीडियो यहाँ पे सीरीज डाल सकूं, इसलिए थोड़ा टाइम लगे यहाँ पे मेरे को वीडियो डालने में, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत। तो चलिए गाइस, हम लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पे ब्लॉगर के डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। डेस्कटॉप साइट मैंने यहाँ पे कर लिया है। आप लोगों को क्या करना है, नीचे जो आप लोग को सेटिंग दिख रही है उस पर आप लोगों को सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वैसे वैसे आप फॉलो करें तो काफ़ी आसानी से हो जाएगा। और फिर आप लोगों को यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन, जो सेकंड नंबर पे आप लोगों को टाइटल जो आप लोगों ने यहाँ पे लिखा होगा, वैसे को मेरे चैनल का दिमागोलॉजी, तो मैंने दिमागोलॉजी से यहाँ पे बनाया था तो वैसे ही आया है। तो ये डिस्क्रिप्शन खाली आप लोग क्या करना है, यहाँ पे जो जो आप लोगों ने पहले लिख पेस्ट कॉपी कर लेनी है वही चीज़ यहाँ पे आप लोग को पेस्ट करनी है। आप लोगों को पहले कहीं लिख लेना है, फिर यहाँ पे आप उसको वो पेस्ट कर देना है, फिर यहाँ से आप लोग को सेव पे क्लिक कर देना है। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, यहाँ पे ऐसे ही सेफ हो गया जैसे कि आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। यहाँ से अगर आप लोग को अगर हिंदी आती है उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है, ब्लॉग को अगर आप लोग इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो कैसे करें, तो यहाँ पे जैसे एंटर टेक्स्ट लिखा है वहाँ से आप लुक कर सकते हैं। नहीं तो ये गूगल ट्रांसलेट पे आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे ज़्यादा आसानी से होगा ये ट्रांसलेट। इस पर क्लिक करके आप आराम से जैसे यहाँ पे इंटरफेस आ रहा है वैसे यहाँ पे आएगा। मैं यहाँ पे कुछ लिख के रहता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ हेलो मेरा नाम क्रिस है, तो जैसे कि यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई है मैं यहाँ पे सही कर देता हूँ हेलो। यहाँ पे अब मैं यहाँ से हिंदी कर दूंगा। यहाँ पे मेरे जो वो है कीबोर्ड है यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है फ़ोन के में, इसलिए कुछ भी टाइप हो जाता है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने जैसे हिंदी में मैं लिख रहा हूँ हेलो मेरा नाम क्रिस है, तो वैसे ही अब देखते हैं इंग्लिश में क्या ट्रांसलेट होकर आएगा। जो यहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे अगर आप उस साइड पे जाके दबाएंगे जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, शायद मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा अगर पॉसिबल हुआ तो। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं मैंने लिखा हेलो मेरा नाम क्रिस है, तो यहाँ पे लिखा गया हेलो माय नेम इज़ क्रिस। तो यहाँ से आप काफ़ी आसानी से यहाँ पे आप कॉपी कर सकते हैं आके। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैं कुछ इस तरीके से यहाँ से अपने जो कुछ चीज़ मेरे को समझ नहीं आती हिंदी की इंग्लिश करनी होती है मैं वहीं से जाके कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से हम लोग अपने ब्लॉग में वापस आ चुके हैं। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ से अभी हम क्या करना है, हमें वापस से अपनी सेटिंग पे जाना है। उसके बाद हमें करना है, यहाँ से आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे मैंने दूसरा ब्लॉग खोला है क्योंकि मेरा तो यहाँ पे पूरा सही एकदम लगा पड़ा है। यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन मैंने लगा रखी है इसलिए मैं आप लोगों को शुरू से करके दिखाऊंगा। यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, अपनी ये जो डिस्क्रिप्शन है इसको आपको कॉपी कर देना है। मैं दूसरे ब्लॉग पर आया हूँ, मैं आप लोग को फिर से बता देता हूँ, मेरा दूसरा ब्लॉग मेरी बहन का ये ब्लॉग है, मैं उसके यहाँ पे सेटिंग करने आया हूँ तो उसका यहाँ पे मैं सही कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लिया है। अब क्या करना है, यहाँ से आपको कॉपी करने के बाद सेव पे क्लिक कर देना है। फिर मैं आप लोग को एक साइट बता रहा हूँ उस पर जाके आप लोगों को लिखना है। यहाँ पे जैसे ही उसकी लिंक मैं वैसे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोगों को क्या लिखना है, फ्री ब्लॉगर मेगा टैग जनरेटर लिखना है आपको। यहाँ पे मैं यहाँ पे आप लोग को लिख के दिखा रहा हूँ, थोड़ा वेट करें। यहाँ पे मेटा टैग जनरेटर जैसे ही यहाँ पे पूरा हो जाएगा वैसे आपके सामने वो साइट आ जाएगी। आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे थोड़ा वेट करें। जैसे कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा यहाँ पे जो मैं डेस्कटॉप साइट कर ले रहा हूँ पहले, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए आसानी से डेस्कटॉप साइट करके कि क्या लिखा है यहाँ पे मैंने। जो आप लोग को यहाँ पे लिखा दिख रहा होगा मेटा टैग माई ब्लॉग ट्रिक पे, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना। अगर आप लोगों को नहीं मिले तो यहाँ से आप किसी भी साइट पर क्लिक करेंगे तो काफ़ी आसानी से हो जाएगा। कुछ इस तरीके का उसका इंटरफेस खुलेगा, आप लोग मोबाइल साइट पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को सबको दिखे इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन साइट में करना है। आप लोगों को वो डिस्क्रिप्शन जो मैंने अभी कॉपी करके दिया थी वो यहाँ पे आप लोग को आके सिंपली पेस्ट कर देनी है आराम से एकदम। फिर वापस से आप लोगों को अपने ब्लॉगर में जाना है, उसमें और कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। अब मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को नीचे जाना है और यहाँ पे आप लोगों को फिर यहाँ पे अपने ब्लॉग पे आने के बाद आप लोगों को स्क्रॉल करना है और यहाँ पे जो मेटा टैग लिखा है ये टाइम स्टैम्प फॉर्मेट के नीचे
और यहाँ पे ये जो यहाँ पे लिखा है मेटा टैग, आप लोग को इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से मैं अभी आप लोगों को बताऊँ कि आप लोगों को कीवर्ड्स कहाँ से लाने हैं, आप थोड़ा वेट करें। यहाँ से आप लोगों को देखना है कि यहाँ से आप लोगों को कॉपी कर लेना है सिंपली, और फिर यहाँ से आप लोगों को सेव पे क्लिक कर देना है। अगर आप लोगों ने सेव पे क्लिक नहीं किया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को सेव पे क्लिक करना ज़रूरी है। यहाँ पे आप लोगों को कीवर्ड्स में यहाँ पे आप लोगों को आके पेस्ट कर देना है सिंपली। फिर आप लोगों को यहाँ पे ऑथर दिख रहा होगा नीचे की साइड में, यहाँ पे आप लोगों को अपना नाम लिखना है, तो कोई बात नहीं लिख सकते हैं। वैसे ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे ऑल पे ही रहने देना है इसको, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करने हैं। फिर यहाँ पे आप लोगों क्रिएट मेटा टैग्स और क्रिएट ऑल दिख रहा होगा, यहाँ पे क्रिएट मेटा टैग्स पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। यहाँ से आप लोगों को ये फर्स्ट लाइन छोड़ देनी है जहाँ तक ये टैग लिखा पड़ा है, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये वेरिफिकेशन कोड बिलो जो टैग लिखा हुआ है, वहाँ से आप लोगों को ये लाइन छोड़ देनी है। उसके नीचे से आपको यहाँ से आप लोगों को कॉपी कर लेना है पूरा जितना भी यहाँ पर लिखा है। फिर आप लोगों को मैं बताऊँ कहाँ पर जाके पेस्ट करना है, थोड़ा वेट करें। यहाँ पर वापस जाना है बैक में, लोग अपने ब्लॉग पे आ जाने, आपको भी सेम ब्लॉग पे आना है और उन्हीं तीन लाइन पे आप लोगों को क्लिक करना है। आपको थीम पे जाना है, यहाँ पे आप लोग कुछ इस तरीके की यहाँ पे आप लोगों को थीम होती है, जिसको नहीं पता मैं उसके लिए दिखा रहा हूँ। वैसे जो ब्लॉग पे आते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता होता है कि ऐसे थीम पे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे आप लोगों को तीन डॉट दिख रहे होंगे, उस पर एडिट HTML पे क्लिक कर देना सिंपली। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा लोड हो रहा है। फिर आप लोगों को क्या करना है मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग यहाँ पे चौथे नंबर पे यहाँ पे आप लोग का हेड लिखा होगा, उसके नीचे स्पेस डाल के फिर वो चीज़ यहाँ पे आप लोग को पेस्ट कर देनी है सिंपली से। वो जैसे ही आप लोग की चीज़ पेस्ट हो जाएगी, आप लोग को ध्यान से देखना है कि यहाँ पे पेस्ट हुई है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें जो हम लोगों ने वहाँ पर कॉपी करी थी, जैसे मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा रहा हूँ। फिर आप यहाँ पे देख लीजिएगा तो क्या होगा, फिर आप लोग को यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है साइड में आके। मैं ऊपर अभी आप लोग को जाके दिखाता हूँ कि कैसे आप लोगों को भी सेव पे क्लिक करना है, थोड़ा वेट कीजिएगा। यहाँ पे मैं अभी आप लोग को यहाँ पे लोड हो रहा है पेज, वहाँ पे मैं वापस आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पे कोने में आप लोग को ये आइकन दिख रहा होगा, उस पर आप लोग क्लिक कर देना सिंपली। फिर आपकी जो ये HTML आपने कहा एकदम से सेफ हो जाएगा और यहाँ पर आप लोग का अपडेट लिखा आ जाएगा एकदम। ये देखिए आप लोगों का सेव हो चुका है। तो गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेटा टैग लगाते कैसे हैं, तो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि कीवर्ड्स मैंने कहाँ से निकाले तो कैसे निकालते हैं। अगर आप लोगों को लिखना है खुद ही, आप सिंपली लिख सकते हैं कि आप लोगों का ब्लॉग किस चीज़ के ऊपर है, टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर है, यूट्यूब के ऊपर है, ब्लॉग कि ब्लॉग कैसे बनाए इसके ऊपर है, तो आप यहाँ पर खुद भी लिख सकते हैं। जैसे मैं अभी आप लोग को यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर टेक्नोलॉजीज लिखा था मैंने, उसको काट के मैं आप लोग को दोबारा लिख के दिखा रहा हूँ कि यहाँ से आप लोग को ऐसे लिखना है। और फिर यहाँ से आप लोग को यहाँ पर 150 कीवर्ड्स ये वर्ड्स का अप्लाई कर देगा और सेफ यहाँ पर हो जाए। फिर आप लोगों को लेना कहाँ से, अगर आप लोगों को खुद नहीं लिखना चाहते तो कहाँ से लेना है वो मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है कॉपी करने के लिए, वहाँ पे अपना मेटा डिस्क्रिप्शन जनरेट करवाने के लिए, उसके टैग जनरेट करवाने के लिए। तो क्या करता हूँ मैं यहाँ पर लिखता हूँ, थोड़ा वेट करें, यहाँ पे #ForTechnologies। अगर आप लोग डिज़ाइन के ऊपर लिखना चाहते हो तो #ForDesign लिखे। तो सबसे पहले जो आप लोग के यहाँ पे लिंक आएगी उस पर पहले मैं आप लोगों को डेस्कटॉप साइट करके दिखाऊंगा, उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। वैसे ये जैक डेस्कटॉप साइट करके भी आप लोग की यही लिंक आएगी, आप लोगों को सिंपली इस पर क्लिक कर देना। आप लोगों को जिस जिसके ऊपर आप लोग वैसे लिख सकते हैं #ForGames, #ForModern, #ForCelebrities ऐसे आप लिखेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा सिंपली। फिर आप लोग क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को दो यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है उसको कॉपी करना है। आप लोगों को इनमें से कोई एक कॉपी पे क्लिक कर देना, आप लोगों के सारे कॉपी हो जाएंगे। आप लोग को एक और बात बता देता हूँ मैं, यहाँ से आप लोगों को ये #hashtag हटाने पड़ेंगे, जो ये आगे हज लगा हुआ है जिसको हम बोलते हैं उसको आप लोगों को हटाना पड़ेगा, बीच में कॉमा लगाना पड़ेगा इन वर्ड्स के, तभी आप लोग वहाँ पर सही से बैठ पाएंगे ये #hashtag, वरना आप लोगों को बहुत दिक्कत आ जाएगी आगे अगर आप लोगों ने #hashtag नहीं हटाया। तो ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो शेयर कर, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। मेरे को कमेंट में लिख के बताएं अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आ रही है प्लीज़, और मेरी नई वीडियो के लिए आप लोगों को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को दबाना ताकि आप लोगों को सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।